डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। आपसी कहा सुनी के बाद मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में एक पक्ष ने दूसरे के घर में घुसकर मारपीट करते हुए अंधाधुंध फायरिंग की। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फायरिंग का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। दोनों पक्षों में रिश्तेदारी है। दरअसल लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के समर गार्डन निवासी राशिद का अपने रिश्तेदार शादाब से विवाद हो गया। आरोप है कि राशिद ने गाली गलौज कर दी। इसी को लेकर सोमवार आधी रात शादाब अपने भाई गुड्डू, बबलू और 7-8 अन्य लोगों को लेकर के वहां पहुंच गया, जहां शादाब पक्ष ने राशिद के घर में घुसकर मारपीट की। यहां करीब 10 राउंड फायरिंग किए गए। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी मेहताब ने यह जानकारी दी। क्या नाम है आपका? मेहताब। मेहताब जी, यहाँ फायरिंग हुई है, किस वजह से हुई है? ये विषयता थोड़ा जो है कहा सुनी का ऊपर जो हुई है, दोनों साइड का विवाद चल रहा था, तो बात करने के लिए आगे आने के बाद जो है गुड्डू गाली गुफ्तार करने लगा और ऐसी ऐसी गाली देने लगा जो सीमा से बाहर थी। सबको गाली बहुत गंदी इतनी बुरी गाली देने लगा कि किसी भी बर्दाश्त नहीं। हमने जवाबी फायरिंग करा। उसके बाद जो है वो बहुत सारे फिर 15-20 मिनट के बाद फिर वो कम से कम 30-32 लड़के थे, और जो है उसमें 3-4 जो है फायरिंग कर रहे थे उसमें से, और बाकी जो है गाली और गुफ्तार तो उनकी। क्या नाम है? एक शादाब है, एक गुड्डू, एक बबलू और अरशद, और उनके साथ में बहुत सारे भी थे। कितने राउंड फायरिंग हुई? कम से कम 10 राउंड फायरिंग करी। देखिए फायरिंग का वायरल वीडियो। इस बारे में फर्स्ट बाइट टीवी को एसपी सिटी पीयूष कुमार ने यह जानकारी दी। ये थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र अंतर्गत समर गार्डन का प्रकरण है, जहां रिश्तेदारों के बीच में जो है किसी बात पे विवाद हो गया था। इसमें एक CCTV फुटेज प्राप्त हुआ है, जिसमें हवाई फायरिंग करते एक दो लोग दिखाई दे रहे हैं। इस संबंध में थाना लिसाड़ी गेट पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। विवाद करने वाले कुल 8 व्यक्ति चिन्हित किए गए हैं, जिसमें 3 की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए fastbite.tv। नमस्कार।